हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको एलसीडी के बारे में बताएंगे। दोस्तों ये एलसीडी है, ठीक है दोस्तों हमारी। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम एलसीडी को चलाते हैं थोड़ी देर के बाद दोस्तों चल के ये अपने आप बंद हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो पिक्चर आती है दोस्तों, जो फ़ोटो दिखाई देती है वो चली जाती है, यानी थोड़ी देर के बाद अपने आप जो इसकी पिक्चर है चली जाती है, ठीक है दोस्तों। प्रॉब्लम ये आई है इसमें। तो हमने अब इसकी पीसीबी खोल ली है दोस्तों। पीसीबी खोल के हम देख रहे हैं कि इसकी पीसीबी में कहीं दोस्तों कहीं कोई टांका या आयर वगैरह कुछ भी इसमें कोई चीज़ सड़ी तो नहीं है दोस्तों। तो हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा है इसमें दोस्तों, इसमें कुछ भी चीज़ सड़ी नहीं है दोस्तों। लेकिन जो इसके आईसी है वो गर्म है दोस्तों, ठीक है। यानी हीट होने के कारण ये जो इसकी जो एलसीडी है जिसकी प्लेट है, हीट होने के कारण दोस्तों इसकी पिक्चर चली जाती है दोस्तों, ठीक है। YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों। तो जब हम LCD को चलाते हैं दोस्तों, LCD चलाने के बाद थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद ही दोस्तों इसकी पिक्चर चली जाती है जब हम इसमें कुछ देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये गर्म होने के कारण दोस्तों चली जाती है इसकी प्लेट, ठीक है दोस्तों। तो इसके जो IC हैं IC ख़राब हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसकी जो IC हैं वो ख़राब हैं दोस्तों, और हीट होने के कारण ये चली जाती है हमारी पिक्चर दोस्तों, जो इसकी प्लेट है, ठीक है। बाकी हमने सारी जो इसकी PCB है वो चेक करी है दोस्तों, कहीं से भी कोई शॉर्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। तो ये कमी आई हुई है दोस्तों इसके अंदर। तो इसकी जो प्लेट है, प्लेट चेंज होगी दोस्तों, पूरी की पूरी प्लेट भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी जिसके IC है वो भी चेंज कर सकते हैं, और प्लेट की प्लेट भी चेंज हो सकती है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही।